अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम कोडेटा के सेकंड ग्रुप को, और उस सेकंड ग्रुप का नाम है वर्टिब्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम वर्टिब्रेट्स की मजीद क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें जोलेश फिश क्लास, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिशेस, इन तमाम को हम डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंबोट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारे अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स। In vertebrates, notochord is usually replaced during development by a backbone or vertebral column. वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकोड है, हमने जो फाइलम कोडेटा के जो कुछ फीचर्स पढ़े थे, तो इसमें हमने कहा कि इसमें वर्टिब्रेट्स जो होंगे उनमें नोटोकोड जो होते हैं वो फाइनली क्या बनाता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बनाता है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। अब इस वर्टिब्रेट्स को हम जो है वो न्यू क्लासिफिकेशन के मुताबिक 7 मेजर क्लासेस में जाकर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसमें आज हम क्लास 1, 2 और 3 को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 7 मेजर क्लासेस, 7 मेजर क्लासेस में डिवाइड होता है, जिसमें नंबर 1 क्लास जोलेश फिश, नंबर 2 कार्टिलेजिनस फिश जिसे कोंड्रोइक्टाइस कहते हैं, उसे एग्नेथा कहते हैं जोलेस फिश को, और तीसरा है बोनी फिशेज जिसे ऑस्टियोइक्टाइस कहते हैं। इन तीनों को पढ़ेंगे, जबकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स और मेमिलिया को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में जोलेश फिशेज। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट्स का छोटा सा ग्रुप है, विच इंक्लूड 2 ग्रुप्स ऑफ जोलेस फिश, द हैग फिश एंड द लेम्प्रे। इसमें जो है वो 2 ग्रुप शामिल हैं, हैग फिश और लेम्प्रे शामिल है। ये बहुत छोटा सा ग्रुप है, मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा बताऊं कि ये जो डायग्राम आपके सामने जो बनी हुई है ये क्या है, ये लेम्प्रे फिश की है और ये वो मछली है जिसके पाप जो नहीं है, जबड़े नहीं होते, इसीलिए इन्हें कहते हैं जोलेस फिश। तो यहाँ हम कहने जा रहे हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का एक छोटा सा ग्रुप है, विच इंक्लूड 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप हैं जिसमें हैग फिश और लेम्प्रे शामिल है। दे हैव स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज एंड आर ई लाइकन शेप। इनका स्केलेटन जो होता है ना, इनका ढांचा जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, बोन का नहीं बना होता, और ये ईल लाइक इन शेप, ईल एक लंबी सी इनकी जो शेप होती है, ईल भी एक मछली के टाइप है। दे हैव अनपेयर्ड फिन्स लोकेटेड अलोंग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इनके जो फिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर की शक्ल में नहीं होते, जो कहाँ होते हैं, अलोंग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में बताऊँ कि अगर गौर से देखें, इनके जो फिन्स है ना, ये पेयर की शक्ल में नहीं है, वरना एक होता है एक यहाँ एक वहाँ, बस नहीं, मिड लाइन पे जो है वो अनपेयर जो है वो फिश है। और इसके अलावा इसमें क्या है, आपको नज़र आ रही होंगी सर्कुलर गिल्स ओपनिंग, ये जो छोटे छोटे सुराख है ना, ये कहलाते हैं सर्कुलर गिल्स ओपनिंग कहलाती हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर गौर से देखें, दे हैव अनपेयर्ड फिन्स, इनके फिन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, लोकेटेड अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, चूँकि मिड लाइन में जो है वो पाए जाते हैं। दे लैक स्केल, इनकी बॉडी पर स्केल नहीं होते, जैसे मछली जो हम सफाई करवाते हैं ना, स्केल्स होते हैं, स्केल नहीं होते। दे एंड देयर स्मूथ स्लिम स्किन इज परफोरेटेड बाई सर्कुलर गिल्स ओपनिंग। इनकी जो स्मूथ स्किन होती है, स्लिमी चिपचिपी स्किन होती है, इसमें सर्कुलर ओपनिंग्स होती है, जिन्हें कहते हैं सर्कुलर गिल्स ओपनिंग, जो भी मैंने आपको डायग्राम में बताया। ये थी जोलेस फिश। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की, हम बात करने जा रहे हैं और कार्टिलेजिनस फिश के जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और फिर बोनी फिशेस के भी जनरल कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल कैरेक्टर्स, दे हैव रिलेटिवली फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज रादर देन बोन्स। कार्टिलेज नाम से ही पता चल रहा है ना, इनका जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है रादर देन बोन। Endoskeleton is made up of enormous number of tiny sharp enamel coated denticles called placoid scale. इनका जो एग्जोस्केलेटन, देखें एंडोस्केलेटन तो कार्टिलेज का बना है, जबकि एग्जोस्केलेटन जो बाहर का जो हार्ड हिस्सा होता है वो क्या होता है, इज मेड अप ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ टाइनी शार्प इनेमल कोटेड। इनेमल एक मटेरियल का नाम है, जो हमारे दांतों की आउटर लेयर होते हैं ना, हमारे टीथ आउटर लेयर पे भी इनेमल होता है, तो इसको मजबूत बनाती है। तो हमने कहा एग्जोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ टाइनी शार्प इनेमल कोटेड डेंटिकल्स कॉल्ड प्लेकोर्ड्स, इन्हें हम कहते हैं प्लेकोर्ड्स स्केल कहते हैं, जो हार्ट से कवरिंग होती है। माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन, इनका जो माउथ होता है वो कहाँ होता है, वेंट्रल पोजिशन पर। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताऊँ, शार्क जो के अगर मैं बात करें, शार्क जो के कार्टिलेजिनस फिश की एग्जाम्पल है, इनका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पर,
वरना जो दूसरी मछलियाँ होती हैं उनका माउथ जो होता है वो बिल्कुल टिप पे होता है। अभी जो हम बात करेंगे ना बोनी फिश, उनका माउथ बिल्कुल टिप पे होता है, जबकि इनका माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड पे है। ये नॉस्ट्रल्स हमारे पास हैं, ये आइस हैं, ये स्पेरिकल्स हैं, ये डोर्सल फिन हैं। आगे अभी जिक्र करते हैं इसका, तो यहाँ बताना था इनका माउथ वेंट्रल साइड पे है। इसी तरीके से माउथ इज ओके, माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन द एंड, सॉरी यहाँ चल लेते हैं। ओके, माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन, टेल फिन इज हेट्रोसर्कल, देयर आर प्रेजेंट मेनी यूजुअली 5 एक्सपोज गिल साइड ऑन स्लिट्स ऑन साइड। अब देखो टेल फिन की बात करने जा रहे हैं, टेल फिन हमारे पास जो है इसकी जो टेल फिन है ना, ये फर्स्ट डोर्सल फिन है, ये है सेकंड डोर्सल फिन, और ये अपर लोब है। ये दोनों जो है वो क्या है, इसका सब टर्मिनल नॉच ये वाला पार्ट कहलाता है, और ये जो फिन है इसका अगर हम बात करने जा रहे हैं, ये अपर लोब है, इसका लोअर लोब है, ये एनल फिन है, ये डोर्सल फिन की अगर बात करेंगे फर्स्ट डोर्सल, और ये सेकेंड डोर्सल फिन है, और इसी तरीके से जो है वो पेल्विक फिन यहाँ मौजूद है, और ये है पेक्टोरल फिन जो कि पेयर की शक्ल में, क्या है ये पेयर की शक्ल में होते हैं, जबकि ये पेयर की शक्ल में मौजूद नहीं है। ओके, तो यहाँ हमने कहा कि और इसके अलावा जो है उसके पास गिल्स ओपनिंग है, कितनी तादाद बताई, 5 बोली ना इसने, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 क्लियर है। ओके, फिर इसके बाद जो है वो यहाँ जो इसमें पॉइंट बता रहा है, गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाय ऑपरकुलम, गिल स्लिट जो है ना ऑपरकुलम नहीं होता, ऑपरकुलम एक लेयर होती है जो गिल्स को कवर करती है, जबकि इनके जो गिल्स होते हैं ना वो ओपन होते हैं, ऑपरकुलम इनके पास, ऑपरकुलम जो है वो इनके पास मौजूद, ऑपरकुलम इनके पास मौजूद नहीं होता, तो इनके गिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जबकि हम बोनी फिश में बात करेंगे वो ऑपरकुलम से क्या होती है, कवर होती है। एग्जाम्पल में हमने बात की शार्क जो अभी मैंने डायग्राम बताई, इसके अलावा स्केट, रेस, स्कॉल्डियन जो कि डॉग फिश कहलाती है, सारी क्या हैं इसके एग्जाम्पल हैं। अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करने जा रहे हैं बोनी फिश की, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बोनी फिश। देयर इज एंडोस्केलेटन आर मेड अप ऑफ बोन्स, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, बोन्स का, जबकि उनका कार्टिलेज का बना होता है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ टाइनी बोनी प्लेट्स विच हैव टू टाइप्स, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो दो अलग अलग तरह की बोनी प्लेट्स से बना होता है, जिसकी दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है साइक्लॉइड व्हेन द आउटर एज इज स्मूथ, जब इसकी आउटर एज स्मूथ होती है उसे साइक्लॉइड कहते हैं, और सिटिनॉइड व्हेन द आउटर एज इज स्पाइनी, जब इसकी बाहर वाली लेयर जो होती है वो नोकदार होती है तो उसे सिटिनॉइड कहते हैं, और अगर स्मूथ होती है तो उसे साइक्लॉइड्स कहते हैं। माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर टिप, अब इनकी जो माउथ ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ, माउथ अगर इस ओपनिंग की अगर बात करते हैं, ये बोनी फिश है ना, पॉम्फ्रेट, पापलेट मछली जो कहते हैं ना, देखिए माउथ ओपनिंग कहाँ है इसकी, बिल्कुल इस पर, जबकि शार्क मछली में कहाँ थी, वेंट्रल नीचे वाले हिस्से पे थी माउथ ओपनिंग, जबकि इनकी जो माउथ ओपनिंग है वो कहाँ है, बिल्कुल टिप पर जो है वो क्या है, इनके टिप पर जो है वो माउथ ओपनिंग है। तो यहाँ हमने कहा माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर टिप, गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम, इनके जो गिल स्लिट होता है वो क्या होता है, ऑपरकुलम से क्या होता है, कवर होता है। अगर आप मछली जब खरीदने चाहते हो ना, तो ये देखो ये ऑपरकुलम वाला हिस्सा है, आप इसको हटा के देखते हो कि मछली ताज़ी है या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे क्या नज़र आते हैं, गिल्स नज़र आते हैं, और उन गिल्स के कलर से हम पहचानते हैं कि मछली फ्रेश है या नहीं जब खरीदने जाते हैं। अगर आप खरीदने गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ हमने ये बात की कि इनके जो गिल्स हैं वो शार्क मछली की तरह ओपन नहीं है, ऑपरकुलम से क्या होते हैं, कवर होते हैं। टेल फिन इज यूजुअली होमो सर्कल और डाइफी सर्कल, वहाँ हेट्रो सर्कल था, जबकि यहाँ क्या है, टेल फिन इनकी जो होती है वो होमो सर्कल होती है। मोस्ट ऑफ दिस फिश हैव एन एयर ब्लैडर विच एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, इनमें से बहुत सी मछलियों के पास क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है, जिसमें हवा भर सकती हैं, जो कि हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन का काम करती है, जो कि इनको पानी में तैरने में सपोर्ट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ईल, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, ग्लॉब फिश, पॉम्फ्रेट, कार्प्स, ये तमाम ये क्या है, मछलियों की एग्जाम्पल हैं। बुक के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल है बता देते हैं, ये भाई फ्लाइंग फिश है, सी हॉर्स है, ये ग्लॉब फिश है, देखो गुब्बारे की तरह ये फूल गई, पॉम्फ्रेट पापलेट मछली है, और ये कार्प्स मछली है, ये इनकी तस्वीरें यहाँ दी हुई है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।